झारखंड में फिलहाल अभी 3 सेंटर है। रांची का सेंटर 20 साल हो गया, उसके बाद हजारीबाग का भी 10 साल से ज्यादा हो गया, और धनबाद में 5 साल से ज्यादा हो चुका है वो भी सेंटर। कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारा अब किस फील्ड में जाना है। लेकिन यदि सिविल सर्विसेज में जाना है तो मेरा सलाह होगा कि उनको 10+2 पास करके जो ग्रेजुएशन करते हैं इस बीच में ही तैयारी शुरू कर देना चाहिए। सीधी को दिल्ली या दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो आपका नियरेस्ट सेंटर है वहाँ जाना चाहिए। हम लोग बिल्कुल एक तो लेटेस्ट चलते हैं, हम लोग बोलने की अपेक्षा काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रीलिम मेंस इंटरव्यू कंप्लीट कोर्स एकदम बुनियादी तौर पर लेके टॉप तक की हमारी पढ़ाई होती है, तो चाहे यूपीएससी हो या फिर जेपीएससी हो। एक झारखंड ही सिर्फ एक स्टेट ऐसा है जहाँ सबसे कम फीस लिया जाता है, मतलब दिल्ली की अपेक्षा बहुत हैवी डिस्काउंट। जार अभी हम एक ऐसे एजुकेशन संस्थान में मौजूद हैं जो कि आज एक ब्रांड नेम है। हजारीबाग के लोगों के द्वारा शुरुआत किया ये इंस्टीट्यूट दिल्ली से शुरू होते हुए आज पूरे भारत में 30 जगहों पे अपना सेंटर चला रहा है। जी हम बात कर रहे हैं चाणक्य IAS अकेडमी का, और चाणक्य IAS अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर अपना कीमती समय हमें दिए इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन मैंने दर्शकों को बताया है वो जर्नी जानना चाहेंगे, कैसे हजारीबाग से एक प्लानिंग होती है, दिल्ली में पहला सेंटर होता है और आज करीब 30 सेंटर एजुकेशन सेक्टर में, कहें तो ये एक इकलौता नाम होगा जो कि झारखंड के लोगों ने स्टार्टअप किया और पूरे भारत में फैला हुआ है। देखिए एक्चुअली ये सपने जो है मैं DU में पढ़ते हुए मेरे बड़े भाई ने देखा था, जिसका आज सक्सेस गुरु AK मिश्रा से फेमस है। वो हमारे चाणक्य अकेडमी को उन्होंने ड्रीम देखा था, उनके एक सपना था कि मैं इसको पूरे इंडिया में चाहूँगा, और साथ में उनका था कि मैं चाणक्य इस अकेडमी का जो नाम रखने से पहले कि नहीं कोई फैमिली में नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा नाम हो जो एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा स्थान रहा हो और यूनिवर्सल नाम हो। तो ये नाम जो उनके मन में आया और वो था चाणक्य जी से ही नाम इसका चाणक्य IAS अकेडमी हुआ। वहाँ से उन्होंने उनका जो मन में था, जो उन्होंने ड्रीम देखा, उसका शुरुआत किया, और शुरुआत के दिनों से जो उनके एक छोटे भाई के तौर पर एक सहयोगी के रूप में मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था और जुड़ा रहा, तो वहाँ से हमारी एक जर्नी शुरू होती है। पहले साल में ही चाणक्य अकेडमी का बहुत हाई क्वालिटी के साथ शुरू हुआ और रिजल्ट भी उसका अच्छा रहा। उसके कई सालों के बाद उनके मन में हुआ कि कुछ ऐसे बाहर में भी कुछ सेंटर होना चाहिए, तो दिल्ली के बाद अहमदाबाद में एक सेमिनार हुआ था और वहाँ लोगों ने डिमांड किया और उन्होंने उनके डिमांड को पूरा करते हुए एक सेमिनार वहाँ जो है सेंटर दिया, जहाँ मैं वहाँ 3 साल तक मैं खुद रहा हूँ। लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में था कि भाई आप तो दिल्ली में इतना काम किए, अहमदाबाद भी हो गया, जबकि आपका नेटिव प्लेस तब तक झारखंड भी अलग हो गया था, तो झारखंड आपका नेटिव प्लेस है तो क्या झारखंड में सेंटर नहीं होना चाहिए चाणक्य अकेडमी का, इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि ये जर्नी उनको पता था कि चाणक्य IAS अकेडमी झारखंड में शुरू होने से पहले जब वो खुद एज ए स्टूडेंट जब दिल्ली गए थे तो पता था कि एजुकेशन का यहाँ अच्छा माहौल है, लेकिन सिविल सर्विसेज के फील्ड में झारखंड के एरिया में जो कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ, या कोई ऐसा गाइड नहीं जो अच्छे से गाइड लोगों को आगे मार्गदर्शन दे पावे, उसको ध्यान में रख के मुझे ही ये जिम्मेवारी दी है। और कहे कि 2002 के लास्ट साल जब मुझे कहे कि सेंटर जो है बहुत लोगों की ओर से आ रहा है तो एक सेंटर का स्थापना झारखंड में होना चाहिए, तो स्वाभाविक तौर पर है कि झारखंड का राजधानी रांची है जो बन चुका था तब तक, तो 2003 में हम जो है इस सेंटर को एस्टैब्लिश हम लोग ने किया और वहाँ से झारखंड के प्रति स्पेशल जर्नी भी शुरू हुआ। अभी फिलहाल झारखंड में कितने सेंटर हैं सर? झारखंड में फिलहाल अभी 3 सेंटर है। रांची का सेंटर 20 साल हो गया, उसके बाद हजारीबाग का भी 10 साल से ज़्यादा हो गया, और धनबाद में 5 साल से ज़्यादा हो चुका है वो भी सेंटर का। तो वो धनबाद में बिग बाजार के सामने है, हजारीबाग में ये सेंटर पुराने बस स्टैंड के सामने है, रांची बहुत फेमस जगह एजुकेशन का लालपुर माना जाता है आज के दिनों में, रांची के वर्धमान कंपाउंड में हमारा सेंटर चल रहा है।
देखा जाए तो चाणक्य आईएएस एकेडमी यूपीएससी की तैयारी के लिए आज एक ब्रांड नेम बन चुका है, और अगर झारखंड से लेकर दिल्ली तक बच्चों को अगर यूपीएससी की तैयारी करनी होती है तो एक बार चाणक्य का रुख जरूर करते हैं। क्या विशेषता है, क्यों लोग चाणक्य को पूछते हैं? सर देखिए, ये इसमें मैं तो कहूँगा कि एक हम लोग का अपने मेहनत के साथ साथ ईश्वर की शायद हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि जो ड्रीम हम लोग ने देखा, मेरे बड़े भाई या मैं देखा, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हम लोग ने दिन हमेशा लगे रहते हैं। और साथ में मैं कहूँगा कि हमारे जो बड़े भाई हैं उनका सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि वो एक गुणवत्ता पर बहुत ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर, बहुत क्वालिटी कॉन्शियस व्यक्ति हैं। तो एक एक पॉइंट को वो खुद ध्यान रखते हैं कि अच्छे से टीचर जाएं, अच्छे से स्टडी मटेरियल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी ना हो, लाइब्रेरी हो, जितनी भी तरह के फैसिलिटी हो, टेस्ट सीरीज जो स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट हो, मेंटरशिप सब का सारे फैसिलिटी पर उनका स्पेशल फोकस रहता है। और इस फोकस के कारण है कि पूरे चाणक्य के, चाहे मैं संस्था का वाइस प्रेसिडेंट हूँ या फिर उनके भाई हूँ, दोनों ओर से मुझे भी एक उनसे सुन के बचपन से मुझे आदत होगी कि क्वालिटी कॉन्शियस का। और यही हमारे मैनेजमेंट टीम का रहा कि स्टूडेंट को केयर से लेके उनका मैनेजमेंट भी क्वालिटी का होना चाहिए। यही कारण है कि हमारा आज सेंटर जो है हर जगह चल रहा है और इंडिया में पूरे हर जगह दिखता है, और साथ साथ जो है लोग अच्छे क्वालिटी का उसको ऐसी गेन भी कर रहे हैं और रिजल्ट भी बना रहे हैं, बस यही कारण है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा जो यूपीएससी के तैयारी करने वाले छात्र होते हैं या जिनका एम होता है कि हमको यूपीएससी क्रैक करना है, वो कंफ्यूज रहते हैं, ट्वेल्थ के बाद करें, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करें, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं कहूँगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपने पूछा है, क्योंकि इसका मैं जहाँ भी जाता हूँ जिस करियर गाइडेंस में ये इस पॉइंट के मैं स्टूडेंट के पर जरूर ध्यान दिलाता हूँ। खासकर इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। साथ साथ अपने उनके पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स के पर भी मुझे इनका फोकस करता हूँ कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारा अब किस फील्ड में जाना है। यदि उनको कोई कन्फ्यूज़न है तो हमारे जैसे लोगों से आके मिले और जानकारी ले, और लोग जो जिनको लगता है कि जानकार हैं कुछ अच्छे कामों का तो उनके साथ में भी जानकारी ले। लेकिन यदि सिविल सर्विसेज में जाना है तो मेरा सलाह होगा कि उनको 10+2 पास करके जो ग्रेजुएशन करते हैं इस बीच में ही तैयारी शुरू कर देना चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होता है, अभी रिजल्ट देखिए बहुत पहले आ गया है, CUT का भी रिजल्ट आ गया, स्टूडेंट अब बच्चे जो है एडमिशन ले रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए। अब ऐसी स्थिति में क्या है, उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ उनकी यदि सिविल सर्विसेज तैयारी में वो लग जाते हैं तो उनका टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज होगा। वो एक साथ ग्रेजुएशन भी करेंगे और टाइम का यूटिलाइज करते हुए इधर यूपीएससी की तैयारी भी करेंगे। तो उसके क्या है कि एक जैसे उनका यूपीएससी जब तैयारी करेंगे, हमारे पास अपग्रेडेड कोर्स करके है, उसमें 3 ईयर्स अपग्रेडेड कोर्स, उसमें क्या है कि बच्चों का उधर भी पढ़ाई हो रहा है ग्रेजुएशन का, इधर भी हो रहा है उनका पढ़ाई यूपीएससी का। स्टूडेंट के कन्फ्यूजन होता है कि क्या एक दूसरे से बाधा तो नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये होता है कि जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हुए ग्रेजुएशन कर रहा है उसके साथ में क्या है कि उसका यूपीएससी के माध्यम से उसको ग्रेजुएशन में फायदा करता है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई से यूपीएससी फायदा होता है। तो एक दूसरे का पढ़ाई जो है कम्प्लीमेंट है दूसरे के लिए, बहुत फायदेमंद होता है। कुल मिला के अगर 12th के बाद अगर तैयारी ही शुरू कर दी जाए तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल, तो ये इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव मैनेजमेंट कि आपने ऐसे टाइम में नहीं किया कि ग्रेजुएशन कर लिया, आपका एज बहुत ज्यादा आप छोड़ दिए हैं, केयरलेस हैं, ग्रेजुएशन के बाद कई सालों तक आप जो है कुछ सोच नहीं पाए और लास्ट में अब जब आपका एज लास्ट हो रहा है तब आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ तैयारी करना चाहिए, यूपीएससी करना चाहिए या जेपीएससी करना चाहिए। ये टाइम का वेस्ट है, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है कि अभी से लग जाए स्टूडेंट। एक हमेशा से रहता है यूपीएससी वाले बच्चे दिल्ली भागना चाहते हैं, बिहार झारखंड के जाते, अगर तैयारी करना है तो दिल्ली चले जाते हैं,
तो आपकी ब्रांच तो खैर दिल्ली में भी है, लेकिन उनको क्या कहेंगे, दिल्ली जाना ज्यादा जरूरी है या फिर यहाँ भी हो सकता है? मैं तो यही कहूंगा कि किसी को दिल्ली या दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो आपका नियरेस्ट सेंटर है वहां जाना चाहिए, क्योंकि हमारा चाणक्य अकेडमी क्वालिटी सेम है। दूसरा का इसमें पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि अपने बच्चों को दिल्ली या दूसरे फेस में जो है मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए कहीं दूर भेज के ये खुश ना हुए कि हमारा एक स्टेटस के तौर पर ना देखे मेरा स्टेटस बढ़ गया, ये तौर पर आज हो चुका है। जबकि हमारे जब हम लोग स्टूडेंट थे तो सुविधा नहीं, कम होती थी कंपटीशन के लिए, सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती थी। आज के टाइम में हम लोग जैसे संस्था जो है आपका झारखंड में है, झारखंड में भी 3-3 सेंटर चल रहा है, और भी दूसरे फील्ड में भी अच्छे अच्छे नेशनल लेवल के संस्था चल रहा है आपका झारखंड में, तो क्यों ना हम स्टेटस सिंबल क्यों बनावे इसको। हमारा तो सोच होना चाहिए सक्सेस होना, सफल होना। इसलिए बच्चों को मैं ही कहूँगा अच्छे अच्छे यहाँ काफी कॉलेज हैं झारखंड में और रांची में, तो बहुत हाई लेवल का कॉलेज कर सकते हैं, तो वहाँ पढ़ाई करें जो यहाँ के लोग हैं और साथ में अपनी तैयारी करें। सक्सेस वाली बात पे एक क्वेश्चन जहन में आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही हम देख रहे थे, तो आपके यहाँ का सक्सेस रेट जो है रांची का या फिर और भी जगह का और बाकी सारे इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा 19-20 है, तो ये आगे क्या टेक्निक देते हैं बच्चों को कि आपके यहाँ का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है? देखिए, आप जानते हैं कि UPSC का हमारा ऑल इंडिया लेवल में एक साथ अनाउंसमेंट होता है रिजल्ट का, और अभी टोटल देखेंगे तो 5,200 रिजल्ट हो चुका है। हम लोग बिल्कुल एक तो लेटेस्ट चलते हैं, हम लोग बोलने की अपेक्षा काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोग पब्लिसिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बड़े बड़े बात करें और बच्चों का है उसके क्वालिटी पर ध्यान कम देना, उसके अपेक्षा ध्यान देना चाहिए कि हम अपने काम पर ध्यान देके स्टूडेंट को ज़्यादा फैसिलिटेटर वो भी क्वालिटी के साथ, तो स्वाभाविक है रिजल्ट अच्छा होगा। हम रिजल्ट का चर्चा ना करके हम रिजल्ट बनाने पर ज़्यादा ध्यान दें। JPSC वाले बच्चों को कैसे ध्यान देते हैं? देखिए, JPSC का जहाँ तक बात है तो मैं कहूँगा कि हमारे दो तरह का 22 से रिजल्ट आया उसमें। एक तो वो स्टूडेंट थे जिसमें 3 ईयर्स वाले भी स्टूडेंट थे जो ग्रेजुएशन के साथ किए थे, एक 1 ईयर वाले भी थे और कुछ JPSC कर भी रहे थे उनके साथ भी था, लेकिन ये देखा गया कि जो स्टूडेंट 3 ईयर्स का कोर्स किए थे हमारे पास उनका रिजल्ट जो है JPSC में ज़्यादा अच्छा हुआ। कारण क्या है कि वो 3 ईयर्स में अपना फाउंडेशन से लेकर टॉप तक अपनी पढ़ाई किए, उनका परफेक्शन की ओर पढ़ाई चला गया, क्योंकि वो शुरुआत से पढ़ाई किए थे तो उनका टाइम अच्छा मिला, सफिशियंट टाइम मिला, जिसकी मैं आज चर्चा आपसे कर रहा हूँ, अभी आपके क्वेश्चन का मैं चर्चा भी कर रहा हूँ इस पर। तो यही होना चाहिए कि स्टूडेंट को जो है पहले तो 3 ईयर्स पर ध्यान देना चाहिए, जिनका ग्रेजुएशन हो गया उसका 1 ईयर पर ध्यान देना चाहिए, और जो लगता है कि नहीं मुझे UPSC और में नहीं जाना है, मुझे JPSC एकदम फिक्स है, तो JPSC में करना चाहिए। हमारे पास उसके लिए भी फाउंडेशन कोर्स चलता है। फाउंडेशन कोर्स की मीनिंग ये हुआ कि आप प्रीलिम मेंस इंटरव्यू कंप्लीट कोर्स एकदम बुनियादी तौर पर लेके टॉप तक की हमारी पढ़ाई होती है, तो चाहे UPSC हो या फिर JPSC हो, दोनों में हमारे पास हर तरह का कोर्स है। अंतिम सवाल सर, चाणक्य अकेडमी कहिए तो झारखंड का एक ब्रांड है, तो इसमें झारखंडी छात्रों को कितना रियायत मिलता है, और अगर कोई बिजनेसमैन चाणक्य का फ्रेंचाइजी लेता है तो उसको क्या फायदा होता है झारखंड? देखिए, फ्रेंचाइजी तो मैं बात कुछ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी के लिए दिल्ली में बात होती है और झारखंड में नहीं मिल सकता है, क्योंकि झारखंड हमारा अपना स्टेट है, तो यहाँ हम लोग खुद इसको चलाना हमेशा चाहेंगे, ताकि क्वालिटी में हमारा बिल्कुल कंसर्स है, और झारखंड में 1% भी क्वालिटी डाउन नहीं हम कर सकते हैं, तो पहला तो झारखंड में नहीं हो सकता है, लेकिन यदि झारखंड के बाहर कोई चाहते हैं तो दिल्ली जाके हमारे जो सक्सेस गुरु हैं चाणक्य सिंह चेयरमैन साहब, उनसे बात करें, वो यदि कन्विंस है कि क्वालिटी कंसर्स व्यक्ति हैं, ये अच्छे पढ़ाई में स्टैंडर्ड रखेंगे, तो फिर दिया जा सकता है। बच्चों को क्या रियायत देंगे झारखंड? और बच्चों के बात करते हैं तो सबसे पहले टोटल फीस में एक झारखंड ही सिर्फ एक स्टेट ऐसा है जहां सबसे कम फीस लिया जाता है, मतलब दिल्ली का पैसा बहुत हैवी डिस्काउंट है। JPSC में भी हम लोग कोर्स चला रहे हैं उनकी सुविधा के लिए, उसके बाद भी हम समय समय पर एक स्कॉलरशिप टैलेंट सर्च के नाम पर हम लोग चला चुके हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। उसमें जिस स्टूडेंट को हम लोग को लगता है
हम लोग 100% उसको स्कॉलरशिप देते हैं, मतलब बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं। यही काफ़ी हर सेंटर में हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हर साल अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जिनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो ये थे हमारे साथ चाणक्य IAS अकेडमी के विनय मिश्रा जी, और इन्होंने अपनी जर्नी भी बताई और चाणक्य IAS अकेडमी में क्या कुछ खास है बच्चों के लिए वो भी बताया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी आप कमेंट में और भी सवाल अगर आपके जहन में है तो वो पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सर से जवाब लेकर उसको उसमें पोस्ट करें। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। शुक्रिया।